रूस के हमले से यूक्रेन में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए। वहीं राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मुल्क छोड़कर भागने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। वो यूक्रेन में है और अंतिम सांस तक डटे रहेंगे। इस बीच युद्ध से जुड़ी कुछ भावुक घटनाएं भी सामने आई है। क्रीमिया में एक यूक्रेनी सैनिक ने रूसी फौज को रोकने के लिए खुद को एक पुल के साथ उड़ा दिया। द सन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी सैनिक की इस बहादुरी के चलते रूसी सेना के काफिले को दूसरे छोर पर जाने की काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुल के साथ खुद को उड़ाने वाले यूक्रेनी सैनिक की पहचान वाटली शकून के नाम से हुई है। वाटली शकून की तैनाती क्रीमिया बॉर्डर पर खेरसान क्षेत्र में हैनी चेसक पुल रखवाली के लिए की गई थी। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।